छोटा उदयपुर दलित समाज द्वारा तालुका सरपंच पद के लिए अनुसूचित जाति अनामत प्रसिद्ध करने की मांग करते हुए जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया था। छोटा उदयपुर तालुका कवाड़ तालुका के दलित समाज द्वारा आज छोटा उदयपुर और कवाड़ तालुका में सरपंच पद के लिए अनुसूचित जाति अनामत प्रसिद्ध करने के लिए जिला कलेक्टर स्तुति चारण को आवेदन पत्र दिया गया। ग्राम पंचायत के चुनाव का जाहिरनामा प्रसिद्ध किया गया है, जिसमें छोटा उदयपुर तालुका की 45 और कवाड़ तालुका की 52 जितनी पंचायतों में से एक भी ग्राम पंचायत सरपंच पद के लिए अनुसूचित जाति के लिए कोई भी अनामत सीट अलॉट नहीं की गई। तो वहीं समग्र दलित समाज का इसके साथ अपमान किया गया है। अनुसूचित जाति की आबादी को ध्यान में रखते हुए छोटा उदयपुर तथा कवाड़ तालुका में सरपंच पद के लिए अनुसूचित जाति के लिए भी अनामत सीट देनी चाहिए, वैसी मांग करते हुए आज आवेदन पत्र दिया था। आज रोज अमो अनुसूचित जाति समाज ना आगेवानो बदा मेहरबान कलेक्टर श्री छोटा उदयपुर ने एक आवेदन पत्र आपा माटे आवेला छे, जेमा सरपंच ने जे सीट अमारी अनुसूचित जाति ने 60 वर्ष थी चालती थी ते आ छेला 5 वर्ष थी सरकारे के कोई भूरिया कमिटी एवं कहीं खतु ये काढ़ी नाखेल छे, जेना माटे अमे आ बधा साथे मळीन अने कलेक्टर ने एक आवेदन पत्र आपेलू छे कि भाई अमने अमारे आ छोटा उदयपुर तालुका में 45 पंचायतों छे, तो 45 पंचायतों में एक पंचायत में तो SC ने लाभ मळवो जोईए ने, एम ये माटे अमे आ आवेदन पत्र आपेलू छे। छगन भाई बगाभाई वणकर धंधोड़ा रेडी। आज रोज छोटा उदयपुर कलेक्टर श्री साहेब ने एक आवेदन पत्र आपवामां आवे छे के ए माटे के अमारे छोटा उदयपुर तालुकामां अनुसूचित जातिने अन्याय थई रह्यो छे। छेल्ला 60 वर्षथी અમને જે અનામત જે અમારી છે એ અમે ભોગવતા હતા, છેલ્લા 5 વર્ષથી સરપંચની સીટ કાઢવામાં આવેલ છે। બંધારણમાં દરેક જ્ઞાતિનો સમાવેશ કરેલો છે, દરેકને અધિકારો આપવામાં આવેલા છે, તો અમારે ફક્ત અનુસૂચિત જાતિને અન્યાય થાય છે આ બાબતે અમારો ઉગ્ર વિરોધ છે। તો ભવિષ્યમાં આવનાર ચૂંટણીમાં જો અમારી જરૂર જ ના હોય તો અમારો વોટ પણ લેવો જોઈએ નહીં, એવું અમારું સૂચન છે। અમારું આ એક અમારી માગણી છે છોટા ઉદેપુર તાલુકા। હમણાં તમે શું કામ આવ્યા છો? અને આવેદન પત્ર આપવામાં આવ્યા છે। કોને આપ્યું? કલેક્ટર શ્રી ને। શું નામ છે તમારું? વિઠ્ઠલભાઈ ધોળિયાભાઈ વણકર। ક્યાં રહો છો? ધંધોડા છોટા ઉદેપુર।